एक ड्राइवर को मिला है 50 लाख रुपए। क्या यह बात सच है या किस ड्राइवर को मिला है? देखो ज़्यादातर न्यूज़ में, ज़्यादातर चैनल में, ज़्यादातर यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल में या न्यूज़ चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस का ड्राइवर था, जो एम्बुलेंस चला रहा था, उसे गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख रुपया दिया गया है। क्या ये सच में 50 लाख रुपये दिया गया? मैं इसी वीडियो में बताऊंगा अगर दिया गया है तो किस तरह से, नहीं देगा तो किस तरह से। लेकिन किस ड्राइवर की बात हो रहा है, मैं पहले थोड़ी सी बात कर लूँ आप लोगों से। यह उस ड्राइवर की बात हो रहा है कि आपको पता है कुछ दिनों से टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं पर भी देखोगे एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो रहा है, आप जो देख पा रहा है इस साइड में स्क्रीन पर, तो वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, एक बच्चा जो छोटा सा बच्चा 40 दिन का बच्चा था, जिसका हार्ट आने की हार्ट का सर्जरी होना था, जब उसे मेंगलुरु में सर्जरी के लिए उसको लेके गया, तब वहाँ पता चला कि यहाँ हार्ट पहले से ही मौजूद नहीं था। तो जब उन्होंने वहाँ की सर्जन ने जब पता किया, तो उसे पता चला कि बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में है, तो उसे वहाँ तक, उसे मतलब उसे ट्रांसफ़र करना था उस छोटी सी बच्चे को जो 40 दिन का बच्चा था। तो करीब 400 किलोमीटर बताते हैं, लेकिन 400 किलोमीटर अगर आमतौर पर कोई भी नॉर्मल ड्राइवर जाएगा तो कम से कम 7 से 8 घंटा लग ही जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस ड्राइवर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, हर किस ड्राइवर का 4 घंटे में पहुंचाया, जिसकी वजह से उसे बड़ा भाई भाई मिल रहा है और सैल्यूट करने का दिल करता है, हर कोई उसे सैल्यूट भी करता है, बताता है कि एक बच्चे का जान बचाया। क्या सच में उसे 50 लाख रुपया मिला है किसी की तरफ से, या झूठ न्यूज़ फैलाया जा रहा है कि उसे 50 लाख रुपया मिला है? देखो ऐसा अभी तक कोई न्यूज़ सामने नहीं आया है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से उसे भाई भाई मिला है और पुलिसों की तरफ से उसे बहुत सपोर्ट मिला था रास्ते से आते वक्त, अगर एक शायद बाइक वालों को भी एक्सीडेंट किया, लेकिन उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो किसी की जान बचाने के लिए अपने जान को रिस्क में लेकर आ रहे थे। ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ है, इस पर विश्वास ना करें। मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद इसलिए है कि कुछ चैनल जो है फेक न्यूज़ बना देते हैं और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं कि इस तरह की गाड़ी चलाने से या कुछ करने से 50 लाख रुपये मिला है। लेकिन हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करना चाहिए, इस आदमी को जो हनीफ है, मोहम्मद हनीफ है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वायरल इसलिए करना चाहिए क्योंकि अपना जीवन का जोखिम लेकर किसी ना किसी का वो भला किया है, इसलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लेकिन ये बहुत मिथ है, ये बहुत झूठ है, कोई 50 लाख का चेक उसे नहीं देगा अभी तक।